सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। नगर सेविका दीपाली पाटिल के पति समाज सेवक दिनेश पाटिल कामतघर स्थित हनुमान नगर परिसर के जरूरतमंदों को जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से लगातार 1000 से 1200 लोगों को खाने का डब्बा देने का कार्य कर रहे हैं। बता दें धर्मराज ग्रुप के अध्यक्ष नीलेश चौधरी, दिनेश पाटिल, नीलेश शंकर, मयूर चौधरी द्वारा चलाया जा रहा किचन के माध्यम से अब तक पूरे भिवंडी शहर व ग्रामीण में 15000 खाने के डिब्बे वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। धर्मराज ग्रुप के माध्यम से हनुमान नगर में भी समाज सेवक दिनेश पाटिल अपने वार्ड के नागरिकों को रोजाना खाने का डिब्बा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनके कार्यकर्ताओं के हाथों दिया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए दिनेश पाटिल ने बताया कि हमारे धर्मराजा नीलेश चौधरी साहब, नितेश एंकर, मयूर चौधरी, उसके साथ में हमारे मुकेश मीना, किशोर भाई और बहुत से पत्रकार, पुलिस यंत्रणा, उसके बाद में सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सब लोगों की यंत्रणा लगी है। एक ही हमारा मकसद है कि सब लोगों को खाना कैसा दिया जाए। और हम एक ही ये कर रहे हैं कि हमारा वार्ड, ये मेरा वार्ड है गणेश नगर, भाग्यनगर, हनुमान नगर, मानसरोवर, फेना, फेनापाड़ा, आशीर्वाद नगर, ये लोगों को कैसा, मेरे वार्ड के लोगों को कैसा खाना दिया जाए, इसके ऊपर मेरा पहला ध्यान चल रहा है। पूरे भिवंडी तो मैं तो जा रहा हमारा। कोरोना ने जिस तरीके से भिवंडी में दस्तक दिया है ऐसे में यहाँ के लोग भय में, क्या कहेंगे लोगों से? सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी धर्मपत्नी दीपाली पाटिल इनकी तरफ से सब लोग को मेरा एक ही सूचना कहा जाता है कि कोई भी यहाँ के एरिया के लोग घर से बाहर ना निकले, उनको कुछ भी समस्या है, सुविधाएं मांगती है तो उनको ये करने को हम लोग खुद तैयार है। क्योंकि देखो कोरोना भिवंडी में आया है, भिवंडी सबसे एकदम खराब इस लाइन पे जिस पे है, आज कल एक मिला है तुरंत 200 मिलने को टाइम नहीं लगेगा। सब लोग घर से बाहर ना निकले, मैं सब भिवंडी वासियों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी जो भिवंडी वासी है जो भी है कि इनको मेरा कहना है कि सब लोग घर से बाहर ना निकले। मेरे वार्ड में तो मैं 70% रखता हूँ, मैं खुद जो दवा पवारनी दूरीकरण और मैं खुद अभी एरिया में घुस के एक एक लोगों को मैं समझा रहा हूँ क्योंकि जो लेकर के कोई बाहर ना निकले। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ।